फॉर्मर आईजीपी बसंत रथ जब भी कोई बात करते हैं या कोई ट्वीट करते हैं, उनका ट्वीट जो है वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचता है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन उनके एक ट्विटर यूजर ने उनसे ये पूछा, क्या उन्होंने कुछ दिन पहले, कुछ अगर बात महीनों की पहले करें तो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की इच्छा बताई थी। तो साथ ही साथ यूजर ने ये लिखा, क्या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या उड़ीसा का रुख वापस करेंगे। इसी पर उन्होंने अपने जो ट्विटर है उनको एक ट्वीट के माध्यम से एक जवाब दिया। वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, वो ट्वीट है कि आई विल ज्वाइन बीजेपी बिफोर द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन, आई विल स्टे एंड वर्क इन JNK इन लद्दाख, नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक टू उड़ीसा। देखिए, शेख इरफान है जिन्होंने पूछा बसंत रथ से, कैन यू अपडेट अस ऑन योर वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड द नेक्स्ट मूव, आर यू ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स इन उड़ीसा और इन JNK। इसी के ऊपर उन्होंने अपने जो यहाँ पर एक ट्विटर यूजर है शेख इरफान, इन्हें जवाब दिया, आई विल ज्वाइन बीजेपी बिफोर द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन, आई विल स्टे एंड वर्क इन JNK एंड लद्दाख, नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक टू उड़ीसा। यानी ये बात तो तय है कि उड़ीसा के रहने वाले जो बसंत रथ है उन्हें जम्मू बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ यही बात करने का विषय नहीं है। बात करने के लिए जो है और भी विषय है हमारे पास। जिस तरह से पूर्व IGP बसंत रथ ने इससे पहले भी ये इच्छा जताई थी कि वो भाजपा में शामिल होंगे और कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर जो है अभी तक उन्होंने BJP ज्वाइन नहीं की। जब पूछा गया था BJP के लीडर से तो कहा कि बसंत रथ का हार्दिक स्वागत है BJP में, और जहां पर उन्हें बार बार ये कह के ट्रोल किया जाता है कि बसंत रथ का आतंक जो है वो जम्मू के ही शहर में देखने को मिलता है, कभी कश्मीर की ओर जाएं, तो इस पर भी वो ये कहते हैं कि मैं कश्मीर से होकर आया हूं, कश्मीर की जनता मुझे प्यार करती है, इसीलिए मैं जो चुनाव है वो कश्मीर से ही लड़ूंगा। पूर्व IGP ट्रैफिक बसंत रथ ने जो है एक बार फिर से ट्विटर पर जो है वो सुर्खियां तो बटोरी हैं, उसी के साथ इससे पहले भी उन्होंने ये चौंका देने वाला ट्वीट किया था और बसंत रथ भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता को इस्तीफा भेजा था और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही राजनीतिक गलियारों में उतरेंगे और BJP पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे, और ट्विटर पर अभी उनका ये ट्वीट जो है वो ट्रेंड कर रहा है। फिर से लोग जो है इसके नीचे ट्वीट और इसे रीट्वीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो कश्मीर से जो है वो चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको उनका ये भी बता दूं कि जिस ट्वीट के करीब पहले उन्होंने ये कहा था वो ट्वीट भी हमारे पास है, वो देखिए किस तरह से उन्होंने, और जो यहाँ पर उनका एक लेटर है वो भी हमारे पास है। देखिए, आपको हम बताएंगे कि रिजाइन के बाद किस तरह से उन्होंने जो है रिजाइन के बाद यहाँ पर जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि रिजाइन के बाद यहाँ पर जो है उन्होंने लिखा था, आई विश टू रिजाइन इंडियन पुलिस सर्विस इन ऑर्डर टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, प्लीज कंसीडर द लेटर टू माई रिक्वेस्ट फॉर रिजिग्नेशन वॉलंटरी। तो बसंत रथ जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अब वो जम्मू कश्मीर को बहुत पसंद करते हैं, लगता है कि उनका पूरा मन बन चुका है, और सोर्सेज के हवाले से ये खबर भी मिल पा रही है कि वो बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले वो जम्मू की पॉलिटिक्स में जो है वो कूदेंगे और यहाँ पर जिस तरह से अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ज्वाइन जो है वो BJP को कर रहे हैं। हमेशा से वो कहते हैं कि BJP एक ऐसी पार्टी है जिसमें वो विजन देखते हैं, और BJP एक ऐसी पार्टी है जिससे वो लड़ सकते हैं, जिसमें वो चुनाव लड़ सकते हैं। और जहाँ तक बात करते हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मुझे कोई मारना चाहता है, मेरी जान को खतरा है, ऐसी सुर्खियों में आए थे, लेकिन अब सुर्खियों में आए हैं अपने ट्वीट की वजह से कि वो BJP ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक वो BJP में शामिल नहीं हो पाए, क्या जिन्होंने उनके लिए दरवाजे खोले थे, क्या अभी उन्होंने सिर्फ बताया था, क्या कैमरे पर ही दरवाजे खुले थे? जब उनसे बहुत से पत्रकारों ने प्रश्न पूछे तो उन्होंने कहा था दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो दरवाजे क्या अंदर से खुले हैं या नहीं खुले हैं? वही अगर बात करें तो कई लोग जो है वो बसंत रथ के इन बयानों को जो है वो तकियानुसी बताते हैं और कहते हैं कि इनके बयानों पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये मेंटली डिस्टर्ब भी हैं। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, बसंत रथ को वाकई में पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए या उनके इस बयान पर जो है किसी को खास चर्चा नहीं करनी चाहिए? लेकिन जब भी वो ट्विटर पर कोई ट्वीट करते हैं, उनका ट्वीट जो है वो सुर्खियां जरूर बटोरता है। पहले अपनी जान के लिए कहते हैं और अब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, और वो भी भाजपा। जहां पर कश्मीर में अगर बात करते हैं तो उनके यूजर्स उन्हें कहते हैं, आपको लगता है क्या कश्मीर में कमल खिलेगा जिसके लिए आप कह रहे हो कि आप कश्मीर से चुनाव लड़ोगे? बहुत से यूजर्स उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिक खान से तलाब है। पंजाब के नंबर वन गुरुशान भारती ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज, 11 घंटों में हर समस्या का समाधान फोन पर घर बैठे करवाएं, जैसे मोहिनी वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं, स्पेशलिस्ट वशीकरण मुठकरनी, किसी का किया कराया तलाक केस, गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ, लव प्रॉब्लम
प्रॉब्लम, लव लॉस्ट बैक, संतान का सुख ना मिलना, विदेश यात्रा में रुकावट, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप भी किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आज ही संपर्क करें गुरु शान भारती जी से +91987864009। धन्यवाद।